फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जिसे देखते ही आप जरूर बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमने दो बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं, इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए, और एक हरी मिर्च है, ये भी हम डालेंगे उसी ग्राइंडर में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 इंच अदरक का ले लिया है, इसको भी हम ग्राइंडर में डालेंगे। ये देखिए लहसुन है 10 पीस, ये भी डालेंगे। और ये है धनिया का डंठल, ये भी हम धुल करके डाले हैं। फिर इसके बाद ये है 10 से 15 पीस काजू, काजू हमने पहले से ही रख दिए थे भिगो कर, उसको भी डाल दिए हैं। ये है धनिया 1 टीस्पून, और ये है जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये है देगी मिर्च 1 टीस्पून। ये सब सारे डाल करके, थोड़े से पानी डाल करके, फिर हम इसका ग्राइंडर का ढक्कन लगा के इसका बारीक हम पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, फाइन सा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है, हम आपको चम्मच से भी दिखा रहे हैं। देखिए, हमने इस तरीके से पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। फिर इसके बाद हम गैस पे पैन रखेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे। हम 1 टुकड़ा बटर डाल दिए हैं, और 1 टेबल स्पून तेल भी सरसों का डाल दिए हैं, और ये इस क्यूब कट में हम पनीर डालेंगे। पनीर मेरा 250 ग्राम था, सारे पनीर इस तरह डाल करके। और फिर इसके बाद हम थोड़े से हमने कश्मीरी मिर्च भी डाल दिए हैं, और पनीर को हम रोस्ट कर लेंगे पलटी की मदद से चला करके। इस तरीके से देखिए, हम पलट पलट के इसको रोस्ट कर लेंगे। और देखिए, जब इस तरीके से हो जाएगा, फिर इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके और एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने बटर थोड़े से डाले हैं। अब हम तेल डालेंगे, तेल हमने 3 से 4 चम्मच डाले हैं। और ये देखिए, 1/2 टीस्पून जीरा है, और ये बड़ी इलायची है, और दालचीनी 1-1 टुकड़ा हमने डाल दिया है। और ये देखिए लहसुन है, लहसुन हमने क्रश करके डाले हैं। और ये प्याज बारीक हमने कट कर ली थी, प्याज हमने 2 पीस प्याज भी ले लिए थे। और इसको हम सारा भूनेंगे अच्छे तरीके से, पलटे की मदद से चला करके हमको अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे। और देखिए, हमने 2 तेज़पत्ता भी डाल दिए हैं तड़के में, और 1 लाल मिर्च भी डाल दिए। और इसको हम सारा भूनेंगे, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसके बाद ही हम दूसरा मसाला डालेंगे। देखिए, हमने अब 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये सब डाल करके हम पकाएंगे। और जो हमने पेस्ट बना करके तैयार किए थे ना ग्राइंडर में, वही हम कढ़ाई में डाल करके उसको भूनेंगे। जब अच्छे से भुना जाएगा, मसाले से तेल छोड़ने लगेगा, तब तक हमको भूनना है। और देखिए, इस तरीके से मसाले में उबाल आ रहा है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इस तरीके से हम भून करके देखिए, हम इस तरह कर लिए हैं, मसाले से तेल भी छोड़ रहा था अच्छे तरीके से। अब हम पानी डालेंगे, पानी हमने बॉईल करके डाले हैं फ्रेंड्स। और इस तरीके से मसाले को अच्छे से हम पहले मिला लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से जो मिल जाए पलटे की मदद से चला चला कर। और उसको हम 1 उबाल आने तक पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हमने जो पनीर को रोस्ट करके रखे थे ना, वही हम डालेंगे ग्रेवी में, सारे हम इस तरीके से डाल देंगे। और इसको भी हम 5 मिनट तक अच्छे से हमको पकाना है। देखिए, हमने सारे पनीर डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब इसको हम पलटे की मदद से 1-2 बार इसी तरह चला करके इसको हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला की रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है, और इसको बनाना तो बहुत ही ईजी है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि पनीर मसाला बटर की रेसिपी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ये रेसिपी एक बार देखेंगे तो ज़रूर बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी के साथ नान रोटी, चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने
प्लेट में सर्व भी कर दिया है। बहुत टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।